मानसा पंजाब सिद्धू मूसेवाला के घर में हम मौजूद हैं, और यहाँ उनके जो फैंस हैं उनके आने जाने का जो तांता है वो लगा हुआ है लगातार। उनको गए हुए कुछ दिन हो गए, लेकिन जो उनके फैंस हैं उनके चाहने वाले हैं वो लगातार उनके परिवार से मिलने आ रहे हैं। और आज उनके जाने के कुछ दिन बाद ही उनका बर्थडे आया है। हर साल उनका बर्थडे हम देखते थे बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया जाता था, लेकिन इस बार जब वो नहीं है तो उनकी फैंस जो हैं बहुत ज़्यादा गमगीन हैं, आंखों में आंसू हैं। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन्हें। कुछ लोग हैं यहाँ जिनसे मैं बात करूँगी, क्योंकि बहुत दूर दूर से यहाँ पर जो फैंस हैं उनके सिद्धू मूसेवाला के वो पहुँचे हुए हैं। मैं कोशिश करूँगी बात करूँ, लेकिन मैं एक बार ये कंपाउंड भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर लगातार उनके फैंस की जो भीड़ है, फैंस के आने जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और इस तरफ की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊँगी, जहाँ पर उनके सारे ट्रैक्टर जो हैं खड़े हुए हैं, उनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लोग उनकी याद में उनकी गाड़ियों के साथ एक तस्वीर बनाने के लिए नंबर लगा रहे हैं, वेट कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं कि किसी तरह से उनकी कोई याद जो है, उनका कोई निशान जो है वो यहाँ से ले जाएं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग जगह से आए हुए हैं। मैं बात करूँगी कुछ लोगों से, और मैं चाहूँगी कि उन लोगों से बात करके मैं जानूँ कि वो लोग कहाँ से आए हैं, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से उनसे मिलने के लिए, उनके परिवार से मिलने के लिए जो हैं पहुँचे हुए। कहाँ से आए हैं, क्या नाम? मोगा से आए जी, रंजीत सिंह नाम है। कब से आए हुए? आज ही आए जी। परिवार से मिले? हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे, कितना गम का दिन, क्योंकि आज ही उनका हैप्पी बर्थडे। हाँ जी, गम तो बहुत है जी, क्या पर क्या कर सकते हैं जी, जो भी हुआ बहुत बड़ा हुआ जी। और आज हमने रास्ते में जब आ रहे थे तो हमने देखा जी, हर जगह शिविर लगी हुई थी जी, क्योंकि आज मूसेवाला का जन्मदिन था। तो इसलिए खुशी भी है कि जी लोग इतना याद करते हैं, पर कहीं ना कहीं गम भी है जी, क्योंकि एक इतना बड़ा कलाकार भी कह सकते, इंसान भी बहुत बड़ा था जी, क्योंकि हर एक से प्यार से मिलता था, कोई ऐसा नहीं था भी कि जगह जगह उनकी याद में सेवा जो है वो की जा रही है। अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, इधर बात करते हैं, यहाँ भी कुछ लोग हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम? मैम, मैं यूपी से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट शामली। यूपी से आए हुए हैं? अबाउट 451 वे किलोमीटर पड़ता है मैम। शुरू से फैन थे, इंसानियत तो बहुत अच्छे पर्सन थे, पहले भी मन था भी एक बार आएंगे मिलेंगे, लेकिन आ नहीं पाए, लेकिन अब आए हैं, बहुत ज़्यादा फील होता है। आज बर्थडे भी उनका, बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ गम का माहौल है, चारों तरफ लोगों की आंखें नम हैं, लोग रो रहे हैं, बच्चियाँ रो रही हैं, बहुत ज़्यादा गम का माहौल है, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग याद कर रहे हैं आज के दिन। उनके जाने के कुछ दिन बाद ही ऐसा दिन आया, क्या कहेंगे? मैम देखो, इतनी छोटी एज में इतना बड़ा मुकाम हासिल करना, एक इंस्पायरेशन मिलती है हम जैसे यंग पर्सन को। सो यही कहना चाहवाँगे भी, बंदा बहुत वधिया सी, इंसान बड़ा वधिया सी, गाने बिच इंस्पायरेंस मिलते किसी, मतलब गर्ल्स के अपोजिट नहीं, लाइक जैसे अजकल सिंगर ने गलत बोल देने कुड़ियाँ पिछे अपना, जिमें किमें भी है, ये बंदा सूलों का पक्का ही, मतलब दिलों फील होंगे भी बंदा। आप कहाँ से आए? मैम करनाल से आए हैं, हरियाणा से, और आज इनका बर्थडे था तो आए हैं हम। मतलब अब माहौल तो ऐसा बहुत अच्छा नहीं है, बट बहुत अच्छे थे ये, इन्होंने अपने मम्मा के लिए पापा के लिए बहुत किया, बहुत अच्छा किया। यहाँ पे हर शख्स जो है उनको किसी न किसी तरह से याद कर रहा है, बच्चे भी आए हैं, बड़े लोग भी आए हैं, महिलाएं भी हैं यहाँ पर बात करते। कहाँ से आए सर? अपना जीरा तलोंडी मंगे हैं। क्या कहेंगे सर, किस तरह से आज याद कर रहे हैं सिद्धू मूसेवाला? बहुत याद आ रही पिछले दिन सुन के, घर दे भी कुछ बात पड़ी है, बहुत बुरा बन रहा आज, बहुत बेटे की याद, कुछ नहीं चुपने लगता बेटे। जब उनके पापा जी से मिल रहे थे आप सब लोग, तो भी सब लोगों की आंखें नम थी बहुत ज्यादा, वो भी आपको दिलासा दे रहे हैं। केड़े बापी दुश्मन से मेरे बेटे को मार गए, बहुत दुख लगा सुनो, असि लिया नहीं सकते उसको, वो साढ़े दिल से हमेशा याद रहेगी। उनके जाने के कुछ दिन बाद ही आज उनका जन्मदिन आना, कितना ज्यादा गम का माहौल, कितना ज्यादा याद कर रहे हैं? हाँ जी, बहुत याद आ रही है, किसी तरह से लोग उनको याद कर रहे हैं यहाँ, और लोग भी हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं फिरोजपुर से। क्या कहेंगे, यहाँ पर किस लिए आप लोग पहुँचे, चाहते हैं परिवार से मिलने, क्या? परिवार से मिलने आए थे, अब मिले नहीं, अभी कहते टाइम लगेगा, वैसे मिलना तो पहले था, पर अब इस मौके पे आए हैं, बहुत दुखदायक बात है। आज इसका जन्मदिन है ना, बट वो समय तो बहुत खराब हो गया सारा। आप आए हो किसके साथ? मैं इनके साथ आया फिरोजपुर से।
क्या कहोगे, फैन थे आप? हाँ जी, देखते थे उनको, सुनते थे? हाँ जी, उनके सारे गाने देखे हुए मैंने, इंस्पिरेशन थे हमारे। मैं भी सिंगर बनना चाहता था जब उनके गाने सुनता था पहले। अब मर गया तो बहुत दुख हुआ। पहले भी मिलना चाह रहा था, पर अब मिलने का मौका मिला तो उनके मम्मी डैडी से मिलना चाहूँगा। देखिए, बहुत सारे जो यंग बच्चे थे जो सिंगर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन सिद्धू मूसेवाला थे, और वो लगातार उनके गाने सुनते थे, उनको देखते थे, उनके जैसे बनना चाहते थे। और आज जब ये गम का माहौल उनके घर में है, तो उनके फैंस का, उनके चाहने वालों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। लगातार जो चाहने वाले हैं वो आ रहे हैं, चाहते हैं कि एक बार उनके परिवार से मिल लें, उनकी माता जी से मिल लें, उनके पिताजी से मिल लें, उनके रिश्तेदारों से मिल लें, एक बार मिल लें उनसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सुबह से शाम हो रही है, लेकिन लोगों के आने जाने वालों का सिलसिला कम नहीं हो रहा है। सिद्धू मूसेवाले की याद में आज पंजाब में, और ख़ास तौर से उनके गांव में, उनके घर के आसपास कई तरह से लोग सेवा जो है वो कर रहे हैं। कई जगह लोग जो हैं अलग अलग तरह से पेड़ लगाए जा रहे हैं, सवील लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह से लोग जो है सेवा भाव से काम कर रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ मध्य ABP न्यूज़ दिल्ली।